You are listening. Radio Udaan, a flavor of life. www.radioudaan.com. वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा और ये आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, लाइक एवरी वीक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 मोर वर्ड्स। तो आज हम बात करेंगे 16 वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स की। तो ये भी अलग अलग तरीके के वर्ड्स होंगे और आपको सीखने को मिलेंगे आज इस एपिसोड में। तो जल्दी से अपनी डायरी, नोट पैड या जहां भी आप नोट करते हैं ये वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट वाइल। और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान का नहीं सब्सक्राइब किया है वो भी जरूर कर लीजिए, ताकि वहां पे आप सभी शोज के सभी एपिसोड्स जितनी मर्जी बार चाहें सुन सकें। वहां पे प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी वोकैबुलरी डोज की, तो आप वहां पे 212 के 212 एपिसोड सुन सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस लर्निंग सेशन की। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। उफो मम्मा, आप कहां जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूंगी? उफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा। मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है, अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूंगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं आप किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 212th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज, एंड अगेन टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द फर्स्ट वर्ड। तो दोस्तों, जो पहला वर्ड है शाम का वो है फ्लेग्रेंट। फ्लेग्रेंट, FLAGRANT, फ्लेग्रेंट। फ्लेग्रेंट फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, FLAGRANT, फ्लेग्रेंट। दोस्तों, फ्लेग्रेंट एक ऐसा वर्ड है जो शायद आपने कभी ना कभी तो सुना होगा। ये होता जैसे कॉन्स्पिरेसी करके, या फिर यू नो आई आउटरेजियसली गुस्से में कोई मतलब बैड चीज या फिर बुरी चीज किसी के बारे में कहना या बोलना या मुंह से निकालना, है ना। तो उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम कह देते हैं दोस्तों फ्लेग्रेंट, FLAGRANT, फ्लेग्रेंट। ठीक है, यानी कि आउटरेजियसली बैड और रिपेंसिबल, मतलब जिसपे आपको बाद में रिग्रेट हो कि अरे मैंने क्यों बोल दिया, क्यों कर दिया, तो उसे हम कहते हैं फ्लेग्रेंट। ठीक है, क्लियर। तो जैसे सेंटेंस ले लेते हैं, फ्लेग्रेंट वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मतलब बहुत ही घटिया किस्म का ये जो ह्यूमन राइट्स है उन्हें किसी व्यक्ति ने से तोड़ दिया। किसी का राइट था कि वो उसे खाना मिले, उसे खाना नहीं खाने दिया गया, तो वो ह्यूमन राइट्स को तोड़ा गया। सो दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ फ्लेग्रेंट वायलेंस ऑफ या वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो फ्लेग्रेंट यानी कि बहुत ही भद्दी बुरी। तो चलिए, द सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज नॉनवर्सेशन। नॉनवर्सेशन, जी हाँ दोस्तों, NONVERSATION, नॉनवर्सेशन। नॉनवर्सेशन यानी कि अ वर्थलेस और मीनिंगलेस कॉन्वर्सेशन, या फिर अ ब्रीफ एक्सचेंज विदाउट वर्ड्स, स्पेशली बिकॉज द, या तो कह सकते पार्टिसिपेंट्स डू नॉट स्पीक द सेम लैंग्वेज, या फिर कोई और भी चीज हो सकती है। ठीक है, तो कोई ऐसी वर्थलेस जिसमें कोई मतलब मीनिंग ही ना हो, फालतू की कोई बात हो, कॉन्वर्सेशन हो, उसे हम कर देते हैं, या फिर कोई ऐसी बातचीत जिसमें बोल के बात ही ना हो, क्योंकि दोनों व्यक्ति हैं उनकी लैंग्वेज किसी, सपोज एक की फ्रेंच है और एक की जैपनीज है, तो बात ही नहीं हो पाई। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे नॉनवर्सेशन। ठीक है, NONVERSATION, नॉनवर्सेशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको, आई हैड द मोस्ट पेनफुल नॉनवर्सेशन विद माई गर्लफ्रेंड्स अंकल। मतलब सपोज कीजिए कि आपकी गर्लफ्रेंड है और आपकी गर्लफ्रेंड के अंकल से आपने बात की और वो बिल्कुल अलग ही बातें करते हैं, आप बिल्कुल ही अलग बातें करते हैं, तो आप क्या कह रहे हैं, अरे आई हैड द मोस्ट पेनफुल नॉनवर्सेशन विद माय गर्लफ्रेंड्स अंकल। कि मतलब नॉनवर्सेशन यानी कि एक ऐसी बातचीत, कम्युनिकेशन जो मतलब
बिल्कुल ही अलग थी कि मतलब दूसरे बंदे की बिल्कुल अलग, अपनी बिल्कुल अलग, तो वो बिल्कुल ही वर्थलेस मीनिंगलेस थी. ठीक है, तो चलिए द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज बिगट. बिगट BIGOT, यानी कि अ प्रेजुडाइज्ड पर्सन हु इज इनटॉलरेंट ऑफ एनी ओपिनियंस डिफरिंग फ्रॉम हिज ओन. कोई ऐसा व्यक्ति जिसको मतलब हजम ही ना हो, जो कि मतलब सुनना भी ना चाहे ऐसे वर्ड्स, ऐसी बातें, ऐसे लोगों को जो उसके ओपिनियन से विरुद्ध हो, अलग हो, तो उसे हम कहते हैं बिगट. BIGOT बिगट. जैसे ही सच अ बिगट, ही वुड नॉट एक्सेप्ट इवन इफ ही इज रॉन्ग. मतलब अगर वो गलत भी होगा और आप कहोगे कि यार तुम गलत हो, तुम ऐसे कर लो, तो भी वो मानेगा नहीं. क्यों? क्योंकि उसको अपने ओपिनियन ही सही लगते हैं, वो और किसी का ओपिनियन सुनता ही नहीं. ही इज सच अ बिगट. ठीक है, क्लियर? कोई डाउट्स हो किसी भी वर्ड को लेके, आप कभी भी मुझसे, यानी कि आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा से पूछ सकते हैं. तो चलिए, अभी के लिए जो फोर्थ वर्ड है शाम का, वो है एडल. एडल ADDLE, यानी कि मिक्स अप और कंफ्यूज. मतलब कोई चीज मिक्स अप हो जाना या कंफ्यूज हो जाना, तो उसे हम कह रहे थे एडल. जैसे ही एडल्ड द इश्यूज, मतलब उससे हमने पूछा हुआ क्या, तो उसने तो यहाँ दो तीन प्रॉब्लम से उनको सबको मिला ही दिया, मिक्स ही कर दिया, कंफ्यूज ही कर दिया, मिक्सअप कर दिया सब कुछ. सो ही एडल. ठीक है, ADDLE एडल, तो पास में एडल्ट हो गया, ADDLE के आगे डी लग गया. तो दोस्तों, ये हो गए हमारे फोर वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 212th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. तो आपकी आसानी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं. द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज फ्लेग्रेंट, FLAGRANT, फ्लेग्रेंट, FLAGRANT, फ्लेग्रेंट, यानी कि कॉन्स्पिक्यूसली या फिर आउटरेजियसली बैड और रिपेंटेबल या फिर रिपेंसिबल, यानी कि कोई ऐसी चीज जो आपने कर दी उसके बाद आपको रिग्रेट, रिपेंस हो गया, अरे क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, तो ऐसी कोई बुरी चीज, बहुत ही बुरी चीज, तो उसे मतलब फ्लेग्रेंट. जैसे दोज वर द फ्लेग्रेंट वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, मतलब उसे उस व्यक्ति को ऐसा नहीं करने दिया किसी ने, तो वो एक ह्यूमन राइट्स को मतलब तोड़ा गया. सो दैट वॉज द फ्लेग्रेंट वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. ठीक है, तो फ्लेग्रेंट वायोलेशन. तो चलिए, द सेकेंड वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज नॉनवर्सेशन, NONVERSATION, नॉनवर्सेशन. नॉनवर्सेशन यानी कि दोस्तों अ वर्थलेस और मीनिंगलेस कॉन्वर्सेशन या अ ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, स्पेशली विदाउट, यू नो, विदाउट वर्ड्स की कोई कॉन्वर्सेशन हुई हो, स्पेशली बिकॉज द लैंग्वेज ऑफ द टू पर्सन वर डिफरेंट, या फिर कोई भी ऐसा कारण रहा हो जिस वजह से वो मीनिंगलेस कॉन्वर्सेशन रही हो, तो उसे हम कहते हैं नॉनवर्सेशन, NONVERSATION, नॉनवर्सेशन. जैसे एग्जाम्पल मैंने बिल्कुल दिया था, आई हैड द मोस्ट पेनफुल नॉनवर्सेशन विद माई गर्लफ्रेंड्स अंकल. मतलब मेरे गर्लफ्रेंड के अंकल से मुझे बात तो करनी पड़ी, पर उनको फ्रेंच आती थी, मुझे जैपनीज आती थी, और हमारी बात ही नहीं हो पाई. या फिर वो फ्लाइंस की बातें कर रहे थे और मैं किसी और चीज की बातें कर रहा था, तो दोनों की बातें ही बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल मेल जोल ही नहीं था बातों में, मीनिंगलेस बातें थी. सो दैट वॉज नॉनवर्सेशन. ठीक है, क्लियर? कोई डाउट्स रह गए पूछ सकते हैं. अभी के लिए जो थर्ड वर्ड था शाम का, वो था बिगट, BIGOT बिगट. BIGOT बिगट, यानी कि बताया था अ प्रेजुडाइज्ड पर्सन हु इज इनटॉलरेंट ऑफ एनी ओपिनियंस डिफरिंग फ्रॉम हिज ओन. एक ऐसा व्यक्ति जो सुनने को ही राजी ना हो, कोई भी ऐसे ओपिनियंस, बातें जो उसके खुद की बातें और ओपिनियन से अलग हो, तो उसे हम कहते हैं बिगट, BIGOT बिगट. जैसे ही इज सच अ बिगट, ही वुड नॉट एक्सेप्ट इवन इफ ही इज रॉन्ग. मतलब वो तो एक बिगट है, वो तो बिल्कुल ही नहीं मानेगा, अगर वो उसकी गलती भी होगी तो भी वो नहीं मानेगा. सो ही इज सच अ बिगट. ठीक है, क्लियर? तो चलिए, अभी के लिए जो फोर्थ वर्ड था शाम का, वो था एडल. एडल, ADDLE एडल, यानी कि मिक्सअप और कंफ्यूज. मतलब मिक्सअप कर देना या कंफ्यूज कर देना, तो वो हो जाता है कि एडल कर देना. जैसे ही एडल द इश्यूज, मैंने उसे पूछा हुआ क्या, और उसने दो तीन इश्यूज को आपस में मिक्सअप कर दिया, उसने मुझे कंफ्यूज ही कर दिया. सो ही एडल्ड द इश्यूज. ठीक है, क्लियर? तो चलिए, ये हो गए हमारे फोर वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 212th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. अभी के लिए मुझे, यानी कि आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा को लेनी होगी छोटी सी ब्रेक पर. आई विल बी राइट बैक विद द रिमेनिंग वर्ड्स एंड सेगमेंट्स. यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज ऑन रेडियो उड़ान. से रूठे खाबों को मना लेंगे, कटी पतंगों को थामेंगे. है जज्बा, है जज्बा,
सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा। हाँ मांझा, सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा। हाँ मांझा, हाँ मांझा, हाँ मांझा। रिश्ते पंखों को हवा देंगे, रिश्ते दर्द को दवा देंगे, जीत कभी हार कभी गम तो यार होंगे दो पल के मेहमान। रिश्ते दहलीजे भी लांघेंगे, रिश्ते लहू भी तो मांगेंगे, आंसू कभी मोती कभी जा भी मांगे यारो कर देंगे कुर्बान। बिसरे यारों को बुला लेंगे, छोड़ी उम्मीदें जगा लेंगे। है जज्बा, है जज्बा, सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा। देखेंगे हम कल का चेहरा, ओ पथरीले सीने में उबला सा देखेंगे हम लावा गहरा। लगन लगी, लगन लगी, टूटे ना टूटे ना जज्बा ये टूटे ना। मगन लगी, लगन लगी, कल होगा क्या कह दो किसको है परवाह, परवाह। हेलो एवरीवन, किशन बात कर रहा हूँ सक्षम से। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सक्षम आपके लिए एक नया ऑफर लेके आया है, जिसके तहत आप कोई भी सामान 100 रुपये से ऊपर का अगर ऑर्डर करते हैं हमारी वेबसाइट sectech.in से, तो उसके साथ आपको एक ब्रेल कैलेंडर फ्रॉम RLF बिल्कुल फ्री मिलेगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं हमारी वेबसाइट से, तो उसकी जो डिलीवरी है वो 3 मई के बाद ही हो पाएगी। तो जल्दी ऑर्डर प्लेस करिए, क्योंकि ऑफर लिमिटेड समय तक है। थैंक यू। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 212th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज, एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो चलिए जल्दी से अब बात करते हैं फिफ्थ वर्ड की इस शाम के। तो जो पांचवा वर्ड है शाम का, वो थोड़ा सा बोलने में अटपटा है, विलोवी। विलोवी, विलोवी, WILLOWY, विलोवी, WILLOWY, विलोवी। तो विलोवी का मतलब होता है दोस्तों स्लेंडर एंड ग्रेसफुल। कोई व्यक्ति बहुत ही पतला हो पर ग्रेसफुल हो, तो उसे हम क्या कह देते हैं, विलोवी, WILLOWY, विलोवी। जैसे ही सच अ विलोवी, एवरी वन गेट्स चार्म्ड बाय हिम। मतलब कई लोग होते हैं ना, बहुत पतले होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, बहुत ज्यादा पतले होते हैं, तो उनका जो ग्रेस होती है वो खत्म हो जाती है। पर वो जो व्यक्ति है वो बहुत ही पतला है और लंबा है, पर उसकी बहुत ग्रेस है, तो हर कोई उसकी तरफ चार्म्ड हो जाता है। मतलब उसकी, उससे खिंचा चला जाता है उसकी तरफ, तो उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। तो ही इज सच अ विलोई, एवरी वन गेट्स चार्म्ड। ठीक है, सो विलोई, WILLOWY, विलोई। क्लियर? कोई डाउट्स हो पूछ सकते हैं आप। अभी के लिए जो सिक्स्थ वर्ड है दोस्तों इस शाम का, वो है मॉलिकॉडल।
मोलिकॉडल। जी हाँ दोस्तों, MOLLYCODELE मोलिकॉडल। आई रिपीट, MOLLYCODELE मोलिकॉडल। मोलिकॉडल यानी कि ट्रीट विद एक्सेसिव इंटेलिजेंस। किसी व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा पैम्पर करना, बहुत ज्यादा तो इंटेलिजेंस के साथ उसको पैम्पर करी जाना, हर वक्त पुचकारते रहना, तो उसे हम कहते हैं मोलिकॉडल। MOLLYCODELE मोलिकॉडल। जैसे लेट्स नॉट मोलिकॉडल अवर स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स को अगर आप हर वक्त प्यार करते रहोगे, बहुत पैम्पर करते रहोगे, तो वो बिगड़ जाएंगे। तो लेट्स नॉट मोलिकॉडल अवर स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो सेवंथ वर्ड है दोस्तों इस शाम का, वो है टूथसम। टूथसम, ठीक है? हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना, क्या टूथसम? टूथ, दांत वाला, ठीक है? टूथसम, TOOTHSOME, टूथसम। टूथसम यानी कि एक्सेप्टेबल टू द टेस्ट और माइंड। कोई चीज जो आपको एक्सेप्टेबल हो दिमागी तौर पे या टेस्ट के तौर पे, या बहुत ही मतलब आपको अच्छी लगी हुई है, तो दैट मीन्स इट इज एक्सेप्टेबल टू योर टेस्ट और योर माइंड और योर सेंसेस, तो वो हो गया टूथसम। TOOTH, टूथसम, SOME, सम। टूथसम इकट्ठे वर्ड है टूथसम, ठीक है? जैसे दिस इज टूथसम फूड, मतलब बहुत ही एक्सेप्टेबल, बहुत ही अच्छा, टेस्टी, लजीज, सो इट इज टूथसम फूड, यानी कि बहुत ही टेस्टी। तो अगर कोई कह रहा है कि अरे वी वर सर्व्ड टूथसम फूड, यानी कि उनको अच्छा खाना सर्व किया गया था, टेस्टी, जो एक्सेप्टेबल हो, ठीक है? टूथसम, क्लियर? गॉट इट? तो चलिए, द एट्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज कैविल। जी हाँ, हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना वर्ड कैविल, CAVIL, कैविल। कैविल यानी कि दोस्तों एन इवेजन ऑफ द पॉइंट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट बाय रेजिंग इररिलेवेंट। जी हाँ, इररिलेवेंट जैसे होता है डिस्टिंक्ट, अलग से, मैं फालतू की सिंपल भाषा में तो फालतू की ऑब्जेक्ट्स पे या ऑब्जेक्शंस पे या बातों में या चीजों पे, वर्ड्स पे बहस करना, फालतू में बहस शुरू कर देना। सो एन इवेजन ऑफ द पॉइंट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट बाय रेजिंग इररिलेवेंट कोई भी वर्ड्स, या फिर बिल्कुल ऑब्जेक्शंस, किसी बात हो रही है, किसी से भी आप बात कर रहे हो, आप फालतू में उसमें ऑब्जेक्शंस ले आए, फालतू में वर्ड्स यूज करने लग गए, आर्ग्यूमेंट करने लग गए, आर्ग्यूमेंट का शुरुआत कर दी बातों में, तो वो हो जाता है कैविल। जैसे एग्जांपल दूंगी और आपको क्लियर हो जाएगा। अ कस्टमर कैविल्ड अबाउट द प्राइसेस, मतलब उसने कोई चीज खरीदनी होगी और जब कस्टमर को जो शॉपकीपर उसने बताया कि इसका ये रेट है, ये प्राइस है, तो वो उस बातों में वो आर्ग्यू करने लगा कि अरे ये कैसे हो सकता है, तुम तो ये हो वो हो, तो ही यानी कि द कस्टमर कैविल्ड अबाउट द प्राइसेस, ठीक है? यानी कि आर्ग्यू करने लगा प्राइस को लेके। तो दोस्तों ये हो गया कैविल। कोई डाउट्स है अगर आपको इस वर्ड को लेके या किसी और वर्ड को लेके, आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। पर अभी के लिए ये जो फोर वर्ड्स है इस सेकंड सेगमेंट ये हो चुके हैं, तो आप ये आसानी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेंगे हम, ताकि कोई अगर डाउट्स हैं तो आपके क्लियर हो जाए। तो दोस्तों जो पांचवा वर्ड था इस शाम का, वो था विलोई। विलोई, जी हाँ दोस्तों, विलोई, WILLOWY, विलोई। विलोई यानी कि दोस्तों स्लेंडर एंड ग्रेसफुल। कोई व्यक्ति जो बहुत ही पतला है, एक्सट्रीमली थिन है, पतला है, लंबा भी हो सकता है, बहुत पतला है साथ में, पर ग्रेस है, ये नहीं कि ऐसी कोई खंबा सा लग रहा है, नहीं, ग्रेसफुल है। सो उसे हम बोलेंगे विलोई। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट वुमेन, इट्स अबाउट मेन, वुमेन, किड्स, एल्डरली, एनीबडी एंड एवरीबडी, ठीक है? सो विलोई, जैसे एग्जांपल देता है, ही इज सच अ विलोई, एवरीवन गेट्स चार्म्ड, मतलब वो इतना ज्यादा विलोई है, मतलब पतला है, लंबा, पर चार्म है, बहुत ज्यादा चार्म है कि हर कोई उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। सो ही इज सच अ विलोई। क्लियर? गॉट इट? तो चलिए, द सिक्स्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज मोलिकॉडल। मोलिकॉडल, MOLLYCODELE मोलिकॉडल। मोलिकॉडल यानी कि मैंने आपको बताया था ट्रीट विद एक्सेसिव इंटेलिजेंस, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस के साथ किसी को ट्रीट करना, कि उसको पैम्पर करना बहुत ज्यादा, तो उसे हम कहते हैं मोलिकॉडल। जैसे लेट्स नॉट मोलिकॉडल अवर स्टूडेंट्स, कि अपने बच्चे जो है स्कूल के, उनको बाप इतना पैम्पर करने का फायदा नहीं है, तो वो बिगड़ जाएंगे। सो लेट्स नॉट मोलिकॉडल अवर स्टूडेंट्स। क्लियर? गॉट इट? कोई डाउट्स हो पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो सेवंथ वर्ड है इस शाम का, वो था टूथसम। टूथसम था सातवां वर्ड इस शाम का, TOOTHSOME, टूथसम, यानी कि एक्सेप्टेबल टू द टेस्ट और माइंड। कोई चीज जो आपके स्वाद को, टेस्ट को, या फिर दिमाग को, माइंड को सूट कर जाए, एक्सेप्ट कर दे, तो वो हो जाता है टूथसम। जैसे टूथसम फूड, कि मतलब कोई ऐसा खाना जो एक्सेप्टेबल, आपको अच्छा लगा, आपको स्वादिष्ट लगा, तो टूथसम फूड। जैसे वी वर सर्व्ड टूथसम फूड इन द
प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम में हम किसी के वहां पे हमें अच्छा खाना परोसा गया, सो वी वर सर्व्ड टुत्सम फूड, ठीक है, टुत्सम, गॉट इट। तो चलिए, द एट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज केविल, केविल, CAVIL, केविल, केविल, यानी कि दोस्तों एन इवेजन ऑफ द पॉइंट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट बाय रेजिंग इररिलेवेंट जैसे होता है ना डिस्टिंक्शंस और ऑब्जेक्शंस, फालतू की बातें करने लग जाना, ऑब्जेक्शंस शुरू कर देना सिंपल सी बात में, तो उसे हम कहते हैं केविल करने लगना। जैसे कस्टमर केविल्ड अबाउट द हाई प्राइसेस, कि मतलब जो हाई प्राइसेस, मतलब जो कॉस्ट होती है, चार्जेस होते हैं किसी चीज के, प्रोडक्ट के, तो वो दुकानदार से उस पर बहसने लगा कि इतना महंगा क्यों है, ये है वो है, तो ही स्टार्ट कि द कस्टमर केविल्ड अबाउट द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, क्लियर। तो दोस्तों ये हो गए हमारे फोर वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 212th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो अभी के लिए मैं आरजे दिव्या शर्मा लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, लौटूंगी तुरंत उस पर, क्योंकि अभी हमें और बात करनी है और वर्ड्स के बारे में। तो हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड। Yeah.
अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए, इसलिए अब से सावन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। So, dosto, now we are in the third segment of this 212th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about very important 16 words. So, chaliye, let us move further towards the ninth word. So, jo nauva word hai sham ka, wo hai ye thoda sa atpata hai, aapko atpata lag sakta hai, par word hai dosto absquatulate. Absquatulate. Ji haan dosto, absquatulate. 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 I repeat, absquatulate. 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 यानी कि दोस्तों run away या फिर usually includes जैसे होता है ना taking something or somebody along, भाग जाना पर कोई सामान लेके या किसी व्यक्ति को साथ लेके, तो वो हो जाता है absquatulate. 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 जैसे कह सकते हैं the accountant absquatulated with the cash from the ऑफिस सेफ, मतलब जो अकाउंटेंट ऑफिस में काम करता था तो वो फरार हो गया, भाग गया, पर साथ में जो कैश था, पैसे थे, जो तिजोरी में पैसे रखे थे ऑफिस में, वो भी लेके भाग गया. सो द अकाउंटेंट एब्सक्वेचुलेटेड द अकाउंटेंट एब्सक्वेचुलेटेड विद द कैश फ्रॉम द ऑफिस सेफ. तो वर्ड हो गया हमारे यहाँ पे एब्सक्वेचुलेट, यानी कि भाग जाना किसी चीज या व्यक्ति को साथ लेके. कोई डाउट है आपको इस वर्ड को लेके तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं. तो अभी के लिए जो टेंथ वर्ड है इस शाम का वो है स्लेक. स्लेक, एस एल ए के ई, स्लेक, यानी कि दोस्तों सेटिस्फाई करना, मतलब एकदम से अपने आपको सेटिस्फाई कर लेना. चाहे आपको कोई चीज अचीव करनी थी, आपने अचीव कर लिया, आपको भूख लगी, आपने खाना खा लिया, आपको प्यास लगी है तो आपने पानी पी लिया, थर्स्ट वो सेटिस्फाई होगी, तो वो स्लेक. ठीक है, जैसे द कोल्ड वॉटर स्लेक्ड हिज थर्स्ट. तो अगर कोई व्यक्ति आपको कह रहा है कि सी आई वॉज ट्रेवलिंग एंड देन दैट पर्सन गेव मी वॉटर एंड इट स्लेक्ड माई थर्स्ट, सो दैट मीन्स इट सेटिस्फाइड हिज थर्स्ट. सो स्लेक यानी कि उसको पूरा कर देना, सेटिस्फेक्शन, पूरी सेटिस्फाइड हो जाना, मतलब कि प्यास हो, आपको पानी दिया, आपने पानी पिया, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन की हाँ अब मैंने पानी पी लिया. सो स्लेक, ठीक है, राइट. तो चलिए, द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग इज लजेरिटी. लजेरिटी, एल ई जी ई आर आई टी वाई, लजेरिटी. आई रिपीट, एल ई जी ई आर आई टी वाई, लजेरिटी. लजेरिटी यानी कि दोस्तों द ग्रेसफुलनेस ऑफ अ पर्सन और एनिमल दैट इज क्विक एंड निम्बल. किसी व्यक्ति या किसी एनिमल की ग्रेसफुलनेस, ग्रेस होना, एक चार्म होना, एक ग्रेस होना चलने में तरीके से, तो वो बहुत ही तेज है और बहुत ही हल्के पैरों से. जैसे सपोज कीजिए हिरन को आपने देखा होगा या आपने सुना हो हिरन के बारे में, तो हिरन भागता बहुत तेज है पर उसकी जो एक उसमें एक ग्रेस होती है, तो लजेरिटी. ठीक है, एल ई जी ई आर आई टी वाई, लजेरिटी. या फिर किसी व्यक्ति के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे द कैट हैज एन अमेजिंग लेवल ऑफ लजेरिटी. कोई कई कैट्स होती है बहुत ही सुंदर होती है, बहुत ही हल्के पैरों से चलती है और ग्रेसफुल लगती है. सो वो क्या हो गया, लजेरिटी. तो अगर कहीं भी वर्ड यूज हो रहा है लजेरिटी, सो उसका मतलब है कोई चीज जो बहुत क्विक है और निम्बल है, बहुत ही ज्यादा, मतलब हल्की हल्की हल्की. ठीक है, तो वो हो जाता है लजेरिटी. क्लियर, कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो और मैं आपको बिल्कुल बता दूंगी. तो अभी के लिए जो 12th वर्ड है दोस्तों वो है टेंडेंशियस. टेंडेंशियस, टी ई एन डी ई एन टी आई ओ यू एस, टेंडेंशियस. आई रिपीट, टी ई एन डी ई एन टी आई ओ यू एस, टेंडेंशियस. यानी कि दोस्तों हैविंग और मार्क्ड बाय अ डेलिब्रेट बायस टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर थिंग या पर्सन या व्यू पॉइंट, या स्पेशली जैसे हो सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें होती है तो उनमें किसी तरफ को आपका इंक्लिनेशन होना, यानी किसकी तरफ को आपका झुकाव होना, बायसनेस होनी, तो वो हो जाता है टेंडेंशियस. ठीक है, जैसे इट वॉज अ टेंडेंशियस अकाउंट ऑफ रिसेंट इलेक्शन. जैसे सपोज कीजिए कोई रोहन है और रोहन की ड्यूटी है कि वो जो अभी इलेक्शन हुए उसकी रिपोर्ट वो सबको दे कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ. तो उसने जो रिपोर्ट दी वो उसमें बायस था, उसने जो जिस तरफ को वो ज्यादा झुका हुआ, झुकाव है उसका, उस तरफ के बारे में वो अच्छी अच्छी बातें बोल रहा था. तो आप कह रहे हैं अरे दिस इज अ टेंडेंशियस अकाउंट ऑफ रिसेंटली, ये जो अकाउंट यहाँ पे कह रहे कि जो भी लिखा और ये जो भी बताया ये सब कुछ टेंडेंशियस है, यानी कि एक तरफा बताया कि बायस. ठीक है, सो अ टेंडेंशियस अकाउंट ऑफ रिसेंट
इलेक्शन या फिर अटेंडेंशियस रिपोर्ट ऑफ रिसेंट इलेक्शन. क्लियर? तो दोस्तों ये हो गए हमारे फोर वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 212th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. तो आपके आसानी के लिए जल्दी से एक रीकैप ले लेते हैं. तो जो नौवां वर्ड था शाम का वो था अब्सक्वाचुलेट. अब्सक्वाचुलेट ABSQUATULATE अब्सक्वाचुलेट. तो दोस्तों अब्सक्वाचुलेट का मतलब मैंने आपको बताया रन अवे यूजुअली इंक्लूडिंग या फिर इंक्लूडिंग टेकिंग somebody और समथिंग along. कोई व्यक्ति भाग जाए साथ में कोई सामान लेके किसी व्यक्ति को लेके या फिर तो उसे हम कहते हैं absquatulate. तो absquatulate करना जैसे द अकाउंटेंट absquatulated विद द मनी kept इन द ऑफिस सेफ. मतलब जो ऑफिस में दफ्तर में जो अकाउंटेंट था वो जो काम करता था वो भाग गया और साथ के साथ वो सेफ में जो पैसे रखे थे ऑफिस के वो भी लेके भाग गया. लॉकर में से जो पैसे थे वो भी लेके भाग गया. सो ही The accountant absquatulated with the money kept in the office safe. ठीक है, clear, got it? तो चलिए जो tenth word था शाम का वो था slake. ऐसा लेके इस लेक यानी कि satisfy. जिसे प्यास भूज गई आपकी, आप बहुत बहुत ज्यादा रनिंग करके और आपको पानी एकदम से एक ग्लास पानी मिल गया और आपने बिल्कुल अच्छा फील हुआ एकदम से सेटिस्फाई हो गए कि अरे चलो प्यास भूज गई. तो या फिर अगर आपको भूख लगी आपको खाना मिल गया एकदम से या फिर आप कुछ अचीव करना चाहते थे और आपने वो अचीव कर लिया. कोई गोल था कोई रैंक था तो वो अचीव करे तो आपको चलो अब हमने कर लिया. तो वो हो जाता स्लेक. जैसे द कोल्ड वाटर स्लेक्ड हिज थर्स्ट. मतलब ठंडा ठंडा पानी ने उसकी प्यास बुझा दी. सो The cold water slaked his thirst. Clear? तो चलिए the 11th word for the evening was legerity. Legerity. जी हाँ दोस्तों legerity LEGERITY legerity. यानी कि बताया था मैंने आपको the gracefulness of a person or animal that is quick and nimble. तो मतलब ग्रेसफुलनेस किसी चीज की एक नाजुकता होना एक 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 ग्रेस होना और एक क्विकनेस भी होना एफिशिएंसी भी होना. तो उसे हम कहते हैं लेजेरिटी. जो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको जैसे हिरन होता है वो बहुत ही ज्यादा हल्के पैरों से भागता है और ग्रेसफुल भी है बहुत ग्रेसफुल है. तो उसे हम कहते हैं लेजेरिटी LEGERITY लेजेरिटी. जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको एक बिल्ली के बारे में दी अ कैट हैज एन अमेजिंग लेवल ऑफ लेजेरिटी. मतलब कई कैट्स होती है वो बेहद ग्रेसफुल भी होती है और वो बहुत जल्दी से तेजी से भाग भी जाते हैं चल भी रहते हैं. तो लेजेरिटी. क्लियर गॉट इट? कोई डाउट्स हो आप कभी भी पूछ सकते हैं. अभी के लिए जो 12th वर्ड था इस शाम का वो था टेंडेंशियस. टेंडेंशियस TENDENTIOUS टेंडेंशियस. आई रिपीट TENDENTIOUS टेंडेंशियस. यानी कि हैविंग और मार्क्ड बाय अ डेलिबरेट बायस टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर व्यू पॉइंट स्पेशली अ कॉन्ट्रोवर्सियल वन. मतलब कोई चीज की तरफ आपका बायसनेस हो आपको झुकाव हो और स्पेशली तब हो जब कोई कॉन्ट्रोवर्सियल चीज की तरफ आपको झुकाव हो गलत चीज की तरफ झुकाव हो तो उसे आप कह देते हैं टेंडेंशियस. जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था इट वॉज अ टेंडेंशियस रिपोर्ट ऑन रिसेंट इलेक्शंस. मतलब जो रिपोर्ट दी गई वो टेंडेंशियस रिपोर्ट थी जो अभी अभी इलेक्शन हुए उस पे. तो जो रिपोर्ट थी उसमें एक तरफी था कि सब बायस था जिसने भी वो बनाई वो बायस था कि एक चीज को बिल्कुल अच्छा बता रहे थे एक को गलत तो वो बिल्कुल बायस था. सो द रिपोर्ट वॉज टेंडेंशियस. ठीक है क्लियर गॉट इट? तो चलिए दोस्तों ये हो गए हमारे फोर वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 212th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. अभी के लिए मुझे लेनी होगी छोटी सी ब्रेक बट आई विल बी राइट बैक विद द रिमेनिंग वर्ड्स. यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज विद आरजी लोगोफाइल दिव्या शर्मा. स्टे ट्यून्ड.
चल ले गुर्बत के फकीर हम तेरी चाहत के रहे बेचैन दिल कब तक मिले कुछ पल तो राहत के चाहत पे इश्क पे हाँ मिटा दूं लुटा दूं मैं अपनी खुदी यार पे हाँ लुटा दूं मिटा दूं मैं ये हस्ती याली रहम वाली याली यार पे कुर्बान है सभी Samarthanam Trust for the Disabled. Walking bike and for persons with disabilities. Empowered thousands of persons with disabilities since 1997. Creating new opportunities for employment, education and skill development through the training courses. Samarthanam Trust for the Disabled, backbone of Indian Blind Cricket Team. Loves nature and preserving it. Working in 6 states with more than 500 employees, making persons with disability financially and economically stable. For more info, log on to www.samarthanam.org or you can send mail to support@samarthanam.org or info@samarthanam.org. Samarthanam Trust for the Disabled dreams and works towards providing an inclusive society to persons with disability. So, dosto, now we are in the fourth segment of this 212th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about important 16 words. So, chaliye, jo 13th word hai sham ka, yani ki 13th word hai sham ka, wo hai kempt. K-E-M-P-T, kempt. K-E-M-P-T, kempt. Yani ki, ye aksar waise baalon ke liye use hota hai word. Kempt, yani ki neat and tidy. Bandhe ho, achse se saaf sutre ho, to unhe hum kehte hai kempt. Jaise, a nicely kempt beard, ya phir a nicely kempt बन मतलब जैसे किसी ने अगर कई लोगों की दाढ़ी होती है वो अच्छे से बनाई होती है तो अच्छे से सुलझी होती है और बिल्कुल सुलझाई भी होती है साथ के तो बिल्कुल ठीक अच्छे से नीट होती है तो उसे हम कहते हैं कैम्प्ट या फिर किसी ने सुंदर सा बन बनाया हुआ बालों पे जूड़ा बनाया हो तो इट इज
a camped bun. ठीक है, clear? तो camped, it's a very nice word, camped. तो चलिए, the 14th word for the evening is furtive. F-U-R-T-I-V-E, furtive. यानी कि marked by quiet and caution and secrecy. या फिर taking pains to avoid being noticed or observed. मतलब कोई शांति से चुपचाप से दबे पैरों से निकल रहा है कि किसी को पता ना लगे कि वो वहां पे है, या कोई ऐसी चीज कर रहा है छुपके जो कि किसी को पता ना लगे. तो जान के ध्यान से प्रिकॉशंस लेते हुए कोई चीज कर रहा है ताकि किसी को पता ना लगे कि वो ऐसा कर रहा है. तो वो जो छुप के ध्यान से शांति से करना, तो उसे हम बताए फर्टिव, F-U-R-T-I-V-E, फर्टिव. जैसे इट इज अ फर्टिव मैनर, मतलब जिस तरीके से तुम काम करते हो कि जैसे छुप छुप के किचन में जाके खाना खा लेना, ये वो फर्टिव मैनर लगता है कि मैं छुप छुपा के तुम सबके सामने खा लो भाई, तो फर्टिव. ठीक है, यानी कि छुपके. ठीक है, क्लियर? आपको मना नहीं किया किसी ने खाने को, पर आप फिर भी छुपके किचन में जाके खाना खा रहे हैं, तो दैट इज अ फर्टिव मैनर. ठीक है, क्लियर? तो चलिए, द 15th वर्ड फॉर द इवनिंग इज क्लूज. क्लूज, K-L-U-D-G-E, क्लूज. K-L-U-D-G-E, क्लूज. वेल दोस्तों, ये एक वर्ड है प्रोग्रामिंग को लेके, यानी कि टेक्निकल वर्ड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्ड है प्रोग्रामिंग को लेके, जो कि है क्लूज, K-L-U-D-G-E, क्लूज. यानी कि अ बैडली असेंबल्ड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स हेस्टली असेंबल्ड टू सर्व सम पर्टिकुलर पर्पस, often used to refer to computing systems on software that has been badly put together. जी हाँ, कई बार क्या होता है, एकदम से आपको एक जरूरत हो गई कि अरे अभी तीन घंटे में हमें ये चीज करनी है, और इसके लिए हमें ये प्रोजेक्ट बनाना है और ये चीज तैयार करनी है, तो जल्दी से एक चीज तैयार कर दी आपने, मतलब जो कि रिफाइंड नहीं है, बस आपने जुगाड़ कर दिया. जुगाड़ मतलब कि जिस काम चलाओ बना दी, तो उसको पता लग रहा है कि ये बस काम चलाओ बनाएगी, ये कोई ना ही कोई डीप रिसर्च के बाद बनाएगी, ना ही इसको ज्यादा ध्यान दिया गया है, तो उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम कह देते हैं दोस्तों क्लूज, K-L-U-D-G-E, क्लूज, K-L-U-D-G-E, क्लूज. जैसे एग्जांपल मैं देती हूँ, एज एन इंजीनियर ही कैन रिकॉग्नाइज अ क्लूज व्हेन ही सीज वन. मतलब सपोज कीजिए कि आपने एक छोटा सा सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया तीन घंटे में, मतलब सॉफ्टवेयर को महीने साल लग जाते हैं, पर आपने तीन घंटे में एक सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया, क्योंकि तीन घंटे बाद आपका कोई क्लाइंट आ रहा था और उसको डेमो देखना ही था, तो आपने जल्दी से एक काम चलाओ सा सॉफ्टवेयर बना दिया. तो कोई अगर ले पर्सन हो, जैसे सपोज अगर कोई रोहन है या सीता है, उनको नहीं पता कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करते, तो उनके लिए तो वो एक परफेक्ट पीस होगा कि अरे वाओ कितना अच्छा पीस, कितना अच्छा सॉफ्टवेयर खड़ा किया है. पर अगर कोई इंजीनियर होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा या एक्सपर्ट होगा, उसे पता लग जाएगा कि इट इज जस्ट अ क्लूज, यानी कि काम चलाओ, काम चलाने के लिए चीज बनाई गई है. सो नाउ आई थिंक यू गॉट द सेंस, राइट? कोई डाउट्स रह गए अगर आपको, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं आप. तो ये था वर्ड हमारा क्लूज, K-L-U-D-G-E, क्लूज. सो एज एन इंजीनियर ही कैन रिकॉग्नाइज अ क्लूज व्हेनेवर ही कम्स अक्रॉस वन. तो चलिए, द 16th वर्ड फॉर द इवनिंग इज टर्जिड. टर्जिड, T-U-R-G-I-D, टर्जिड. टर्जिड यानी कि दोस्तों, टर्जिड एक ऐसा वर्ड है जो कि सिंपल है और आपको पसंद भी आएगा. वो होता है ऑब्स्टेंशियसली लॉफ्टी इन स्टाइल. मतलब लॉफ्टी इन स्टाइल यानी कि एक अपनी स्टाइल में, एक अपने जो सजनेस वर्ड में स्टाइल, मतलब स्टाइल में एक बहुत ही ज्यादा मतलब जैसा होता है ना कि लॉफ्टी और ऊपर ऊपर का बहुत ज्यादा किया होता है, स्टाइल मारा होता है, तो उसे हम बोलते हैं टर्जिड. जैसे अ मैन गेव अ टर्जिड टॉक. मतलब ये दोस्तों, ये जो स्टाइल होता है, ये सिर्फ देखने, कपड़ों में, एक्सेसरीज में, ज्वेलरी में नहीं होता, जूतों में नहीं होता, मोबाइल्स और कार्स में नहीं होता, ये सिर्फ बातों में भी होता है. तो कोई व्यक्ति बड़े स्टाइल से ऊपर ऊपर की बातें कर रहा है, बड़ी बड़ी फेंक रहा है, तो वो दैट मीन्स ही इज गिविंग अ टर्जिड टॉक. ठीक है, टर्जिड, क्लियर? तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वर्ड आपको बिल्कुल क्लियर हो गया. फिर भी कोई डाउट रह गया इस वर्ड को लेके या किसी और वर्ड को लेके, आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं. तो अभी के लिए जल्दी से एक रीकैप ले लेते हैं इस 4th सेगमेंट की, ताकि अगर कोई डाउट्स रह गए तो वो क्लियर हो जाए. तो जो 13वां वर्ड था शाम का, वो था दोस्तों कैम्प्ट, K-E-M-P-T, कैम्प्ट. यानी कि ये अक्सर वैसे बालों से रिलेटेड होता है, यानी कि नीट एंड टाइडी, अच्छे से बंधे हों और साफ सुथरे हों, तो उसे हम कह रहे थे कैम्प्ट. जैसे अ नाइसली कैम्प्ट बियर्ड, कि मतलब जो दाढ़ी अच्छे से बनाई हुई है, साफ सुथरी, तो कैम्प्ट, नाइसली कैम्प्ट बियर्ड. या फिर अ नाइसली कैम्प्ट बन, एक बालों का जो जूड़ा है, बन बनाया हुआ, वो बड़ी अच्छे से साफ सुथरी तरीके से बनाया हुआ, तो अ नाइसली, अगर हम कह रहे हैं नाइसली कैम्प्ट बन, यानी कि एक अच्छे से साफ सुथरी तरीके से. ठीक है,
तो चलिए द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज फर्टिव FURTIVE फर्टिव फर्टिव मैंने आपको बताया था मार्क्ड बाय क्वाइट एंड कॉशन एंड सीक्रेसी चुप छुपा के कोई चीज करना चुप छुपा के पूरे कोशिश करना कि किसी को कुछ पता ना लगे कि आप ये कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं फर्टिव जैसे अ फर्टिव मैनर जैसे ही ऑलवेज ईट्स इन अ फर्टिव मैनर मतलब वो चुपचाप से किचन में जाके छुपके वहीं खाना खा के निकल लेता है कि ऐसा लगता है जैसे कि वो दूसरों से छुपके खाना खा रहे हैं कि किसी को पता ना लगे कि वो खाना खा रहे हैं सो दिस इज अ फर्टिव मैनर ठीक है अगर आपने खाना ये सब किया टेबल पे खा लो ठीक है तो फर्टिव मैनर तो चलिए द 15th एंड द सेकंड लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज क्लच KLUDGE क्लच यानी कि मैंने आपको बताया था क्लच होता है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वर्ड यानी कि टेक्नोलॉजी में प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ये वर्ड होता है जिसका मतलब होता है अ बैडली असेंबल्ड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स हेस्टली असेंबल्ड टू सॉल्व सम सॉर्ट ऑफ जैसे होता है ना पर्टिकुलर पर्पस सर्व करने के लिए या कोई चीज करने के लिए जैसे आपको 3 घंटे में एक कोई क्लाइंट आ रहा है उसको एक सॉफ्टवेयर का डेमो दिखाना है और आपने कुछ भी नहीं बनाया हुआ अभी तो आप जल्दी से जुगाड़ करके काम चलाओ उसका सॉफ्टवेयर बना देते हैं तो वो हो गया क्लच यानी कि आपने जुगाड़ कर दिया बस काम चलाओ चीज तैयार कर दी जो कि मतलब उसमें बहुत फ्लॉज है वो बहुत बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है तो वो दिखा मतलब जैसे होता नहीं कि बस दिखाने के लिए आपने एक बना दिया काम चलाओ सा तो होता है क्लच तो अब अगर कोई ले पर्सन है जिसको कुछ भी नहीं पता टेक्नोलॉजी के बारे में उसके लिए तो वो परफेक्ट होगा वो तो कहेगा अरे वाह कितना अच्छा है सॉफ्टवेयर है ना पर अगर कोई इंजीनियर है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या कोई एक्सपर्ट है वो विद इन नो टाइम एकदम से बता देगा कि ये एक क्लच है यानी कि ये एक जुगाड़ है बस एक काम चलाओ चीज बनाई गई है जैसे एज एन इंजीनियर ही या फिर एज एन इंजीनियर शी कैन रिकग्नाइज अ क्लच व्हेन ही सीज वन मतलब जब भी उसके सामने कोई चीज आती है उसको पता लग जाती है कि ये बिल्कुल परफेक्ट बनाएगी ये एक्सपर्ट तरीके से एक्सपीरियंस्ड वे में बनाएगी और ये एक क्लच है यानी कि काम चलाओ चीज तैयार की गई है ठीक है क्लियर गॉट इट कोई डाउट हो पूछ सकते हैं अभी के लिए जो 16th एंड द लास्ट वर्ड है शाम का वो था टर्जिड टर्जिड TURGID टर्जिड टर्जिड यानी कि मैंने आपको बताया था ऑस्टेंशियसली लॉफ्टी एंड स्टाइल में दिखावे में बहुत ज्यादा ऊपर ऊपर की हो बहुत ज्यादा स्टाइलिश कोई चीज हो तो उसे हम कह देते हैं टर्जिड TURGID टर्जिड जैसे अ मैन हैज गिवन अ टर्जिड टॉक मतलब एक व्यक्ति ने जैसे ऊपर ऊपर की बहुत ही स्टाइल मार के बातें की ऊपर ऊपर की मारी तो वो टर्जिड टॉक देना है मतलब कि फालतू की ऊपर ऊपर की बातें कर रहा है स्टाइल मार रहा है पर वैसे खोखला सो टर्जिड ठीक है क्लियर गॉट इट तो दोस्तों दीज वर द फोर वर्ड्स फॉर द फोर्थ सेगमेंट ऑफ दिस 212th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज तो अभी के लिए मैं लेती हूँ एक छोटी सी ब्रेक बट मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा लौटूंगी लास्ट सेगमेंट में बने रहिए क्योंकि अभी भी थोड़ी सी बातें करना बाकी है स्टे ट्यून्ड हैप्पी लिसनिंग हैप्पी लर्निंग We'll be right back.
छुपा लूं तुम्हें हौसलों में कहीं सबसे ऊपर लिखा है तेरे नाम को ख्वाहिशों से जुड़े सिलसिलों में कहीं ख्वाहिशें मिलने की तुमसे ख्वाहिशें मिलने की तुमसे रोज होती है नई मेरे दिल की जीत मेरी मात बन गई चांदी रात बन गई है। मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ। स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है। मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है। मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ। यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625। वेबसाइट www.mitrajyoti.org। ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस 212th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट 16 वंडरफुल इम्पोर्टेंट वर्ड्स। जी हाँ, 16 इम्पोर्टेंट वर्ड्स की हमने बात की है। काफी अटपटे, अलग अलग तरीके के, अलग अलग टाइप्स के आज हमने वर्ड्स कवर किए और मुझे उम्मीद है कि ये सारे वर्ड्स आपको अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे और आप यूज करेंगे और आप बिल्कुल रिलेट कर पाए होंगे। पर फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट रह जाते हैं, कोई क्वेश्चंस हैं या फिर कोई फीडबैक है, व्यूज है, सजेशंस है या अप्रिसिएशन है या फिर आप कुछ
कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कह सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.radiouran.com, साथ ही फेसबुक पे हमारा पेज लाइक कर सकते हैं, ग्रुप फॉलो कर सकते हैं। URL है www.facebook.com/radiouran, साथ ही ट्विटर हैंडल भी हमारा रेडियो उड़ान है और स्काइप हैंडल भी हमारा रेडियो उड़ान है। तो दोस्तों मेल भी कर सकते हैं आप mail@radiouran.com पे। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि किसी भी शो का कोई भी एपिसोड आप मिस ना करें। तो दोस्तों वहां पे आपको वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी रेडियो उड़ान चैनल पे यूट्यूब पे, और वहां पे सभी के सभी यानी कि 212 एपिसोड्स आप सुन सकते हैं जितनी मर्जी चाहें उतनी बार, और कमेंट एरिया में वहां पे अपने फीडबैक व्यूज दे सकते हैं। और साथ ही अगर आप मुझे यानी कि आरजे दिव्या शर्मा को डायरेक्टली अप्रोच करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com, और आप मुझे स्काइप हैंडल पे भी मैसेज कर सकते हैं। स्काइप हैंडल मेरा है divya31s, divya31s। तो दोस्तों अब मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM। तब तक के लिए मुझे यानी कि आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल डैम स्टूडियो पंजाब इंडिया। तो जब तक मैं आपको नेक्स्ट वीक तक मिलती हूँ, ध्यान रखिए अपना, मास्क पहनिए, सैनिटाइज कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन एंड हाइजीनिक रहें। तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप यूजिंग दीज वर्ड्स, हैप्पी लिसनिंग एंड गुड लक। कच्ची डोरियों 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 से मैंनो तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोनिया सुन ले मेरी, दिल दियां गल्ला जाके तू है मेरी वफा, रख अपना बना के मैं तेरे ले आ यारा, ना पावी कदे दूरियां सुने कोई ख्वाब ना।
दुनिया